What's up my lovely friends, hope you guys are doing fantastic today. So guys, आज के वीडियो का टॉपिक एक्चुअली कुछ और था, लेकिन बाहर बारिश हो गई और मेरा शूट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं वीडियो वो शूट ही नहीं कर पाया. तो मैंने सोचा टाइम क्यों बर्बाद करें. आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे मेरे यूट्यूब के कमेंट के थ्रू और इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा उसमें से कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आज के वीडियो में मैं आंसर कर देता हूँ. सो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, और जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली मेरे से पूछा जाता है कि क्या मेरे कंप्यूटर में डाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर चल सकता है. अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि दोस्तों डाविंची रिजॉल्व एक टॉप क्वालिटी का प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, और ये फ्री और पेड वर्जन दोनों में ही अवेलेबल है. और फ्री वर्जन में कोई वाटरमार्क नहीं आता, बस हल्के फुल्के एक दो फीचर्स कम होते हैं. मैंने इनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, आप जाके उनको चेक कर सकते हैं. अब दोस्तों ये सॉफ्टवेयर बाकी के सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा अलग है, जैसे कि हमारा प्रीमियर हो गया या फिर फाइनल कट प्रो हो गया. तो हमारे बाकी के सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि आप वीडियो, उनका प्राइम फीचर होता है वीडियो को एडिट करना, ठीक है, फिर उसमें कलर एडिट करना, फिर थोड़ा बहुत उसमें आप ऑडियो इफेक्ट वगैरह भी लगा सकते हैं, राइट, थोड़ा VFX कर सकते हैं. इसमें क्या है कि इसमें ये सारे काम आप डिटेल में आराम से कर सकते हैं. मतलब इसमें अलग अलग टैब बने हुए हैं, वीडियो एडिटिंग का एक अलग टैब है जिसमें आप डिटेल में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं. फिर आपको ऑडियो एडिटिंग का एक अलग सर टैप दिया हुआ है, यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से साउंड डिज़ाइन वगैरह बहुत डिटेल में कर सकते हैं. इसके बाद इसमें एक फ्यूजन टैप है जिसमें आप VFX, 3D वर्क, ग्राफिक्स, सब कुछ आफ्टर इफेक्ट टाइप का इफेक्ट इसमें भी कर सकते हैं. और कलर ग्रेडिंग के लिए तो ये इंडस्ट्री में मतलब फेमस है, इससे अच्छा कोई और सॉफ्टवेयर है नहीं आज की डेट में कलर ग्रेडिंग में. अब क्योंकि ये इतने सारे फीचर्स आपको प्रदान करता है, तो इसको चलाने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर की जरूरत है. दोस्तों मैं आपको अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ जिस पर मैं काम करता हूँ. मेरा सिस्टम 4th जनरेशन का i7 प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें इंटेल का, और इसमें 32GB रैम पड़ी हुई है, SSD लगी हुई है, जिसमें ये OS जो ग्राफिक कार्ड है मेरे में वो NVIDIA का GT740 लगा हुआ है 2GB का, और इसमें बस काम चल जाता है. मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा चलता है, बस चल जाता है. अगर मेरे को थोड़ा और बेटर काम करना है तो फिर मेरे को ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि मैं करने का प्लान कर रहा हूँ. सो दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस में आपको इसको चलाने के लिए कम से कम i5 का प्रोसेसर चाहिए ही चाहिए होगा, i5, और अगर i7 या i9 ले सके तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है. मिनिमम आपको 16GB रैम चाहिए ही होगी, 16GB से अगर आपके सिस्टम में कम रैम होगी तो ऐसा नहीं है 8GB भी चलेगा, लेकिन फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, बहुत लैग आएगा, बहुत दिक्कत आ सकती है 8GB. और आपको ग्राफिक कार्ड बहुत बढ़िया क्वालिटी का चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर आ रहे हैं इंक्लूडिंग डाविंची रिजॉल्व या फिर प्रीमियर प्रो ले लो, ये सब GPU पावर मतलब ग्राफिक कार्ड से पावर लेते हैं बजाय के CPU से पावर रेंडरिंग के टाइम में. तो आपको ग्राफिक कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए इसमें. इसमें कम से कम आपको NVIDIA का कोई सॉलिड वाला ग्राफिक कार्ड 1080, 1060 या 2080, जितने भी बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड आते हैं GTX सीरीज़ के, वो अगर लगा लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि छोटे ग्राफिक कार्ड पे नहीं चलेगा, चल जाएगा. अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूजन वर्क करेंगे, ग्राफिक, 3D कैमरा मूवमेंट, यू नो, 3D चीज़ें डालेंगे अपने सिस्टम इसमें, तो फिर आपको बहुत तगड़ा ग्राफिक कार्ड चाहिए. और दोस्तों इसमें NVIDIA के CUDA ड्राइवर्स भी आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो कि अलग से इंस्टॉल होते हैं, वो आपको ग्राफिक कार्ड के साथ नहीं आते, तो वो भी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार एरर देगा कि CUDA ड्राइवर्स नॉट फाउंड, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे एरर देता, मेरे को भी याद भी नहीं आ रहा. तो दोस्तों ये तो हो गया आप हमारे नॉर्मल इंटेल वालों के स्पेक. अगर आप राइजन यूज़ करते हैं तो राइजन में बोलूँगा कि कम से कम राइजन 5 तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा, और हो सके तो राइजन 7 या फिर राइजन 9 की तरफ जाएं. और रैम का कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा कि अगर आपको ढंग से काम करना है तो भाई 16GB रैम तो ज़रूरी है, और ग्राफिक कार्ड भी टॉप नॉच क्वालिटी का होना चाहिए. दूसरा जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वीडियो में कमेंट होता है वो ये है कि मेरी सोनी अल्फा से जब मैं अपनी फोटोज़ रॉ फोटोज़ को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो वो KB में आ रही है. ये सवाल पूछते समय बहुत सारे लोग ये बात मेंशन नहीं करते कि वो ऐसा कहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आप तभी आती होगी जब आप अपने कैमरा से मोबाइल में फ़ोटो को वायरलेसली ट्रांसफ़र कर रहे हैं. दोस्तों अगर आप सोनी की इमेजिंग एज ऐप यूज़ करके चाहते हैं कि आपकी रॉ फ़ोटो मोबाइल में आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरे को पता है इमेजिंग एज ऐप में लिमिटेशन है, वो रॉ फ़ोटो कभी भी नहीं भेजता. रॉ फ़ोटो अगर आपको डायरेक्टली स्मार्टफोन में डालनी है दोस्तों, तो आपको अपने या तो कैमरा का एसडी कार्ड निकाल के अपने लैपटॉप पे पहले फ़ोटो ट्रांसफ़र करिए और वहाँ से मोबाइल पे डालिए, या फिर मोबाइल के लिए आप एक एसडी कार्ड रीडर खरीद लीजिए और डायरेक्टली उसमें लगा के वैसे ट्रांसफ़र करिए. इमेजिंग एज ऐप के
थ्रू रॉ फोटो वायरलेसली ट्रांसफर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता ही है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि हमारी सोनी अल्फा से वीडियो जब हम ट्रांसफर करते हैं अपने स्मार्टफोन में तो वो ट्रांसफर नहीं होती है, और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि बहुत सारे स्मार्टफोन आज की डेट में XAVCS या फिर AVC HD फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करते, और यही कारण है कि जब आपने कोई ऐसी वीडियो शूट कर रखी है दूसरे फॉर्मेट में और आप उसको स्मार्टफोन में डालने की कोशिश करते हो तो आपका फोन सपोर्ट ही नहीं करता। अगर आपको अपने फोन में वीडियो लेनी है और आप चाहते हो कि आपके वीडियो 100% चले तो मेक श्योर करें कि वो वीडियो हमेशा .mp4 फॉर्मेट में ही शूट करें। ओके दोस्तों, सो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इंडिया में बेस्ट प्राइस में ड्रोन कहाँ से ले। दोस्तों इंडिया में ड्रोन किसी भी शोरूम पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ये सब कुछ ग्रे मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारे लोग वहाँ से इम्पोर्ट कराते हैं चोरी छुपे, या बड़े बड़े मतलब उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं बड़े बड़े डीलर से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके थ्रू वो ड्रोन्स को इम्पोर्ट कराते हैं। कोई लीगल लाइसेंस नहीं है अभी किसी के पास यहाँ पे, तो इसका कोई बेस्ट प्राइस का सीन नहीं है। कोई भी ऐसी दुकान नहीं है, कोई भी ऐसा शोरूम नहीं है यहाँ पे हमें आके जाके आपको बोल दूँ कि भाई यहाँ पे चला जाओ आपको सबसे सस्ती ड्रोन मिलेगी, ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको खूब R&D करनी पड़ेगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं ड्रोन्स के, आप वहाँ पे आके अपने आपको उसमें ऐड कराई है, लोगों से बातें करिए, वहाँ पे आपको अपने आप पता लगेगा कोई नई ड्रोन लॉन्च हो रही है तो वो किस प्राइस में मार्केट में बिक रही है। आप फेसबुक ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि अगर ये वाली ड्रोन लॉन्च हुई है तो ये 1,30,000 के आसपास बिक रही है और ये दाम सही है। लास्ट क्वेश्चन आज का जो है वो ये है कि लोग अपने सोनी अल्फा के APS-C वाले कैमरा खरीदते हैं जैसे कि A6300, A6000 या A6400 या A6600, और उसके बारे में पूछते हैं मेरे से कि भाई इसके लिए कोई एक बेस्ट ऑलराउंडर लेंस बता दीजिए। अब इसके लिए ऑलराउंडर लेंस का सीन ये है दोस्तों कि मार्केट में 2-3 लेंस है, बट मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप ये कैमरा खरीदें इसके साथ एक किट लेंस दुकानदार देता है 18-135, वो मत लेना, वो बहुत ही बकवास लेंस है। उसका अपर्चर वेरिएबल है, अगर आप उसको जूम करोगे तो फोटो वीडियो में डार्कनेस आना शुरू हो जाएगी। लोग सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि 18-135 की बहुत ज़बरदस्त फोकल रेंज है, ले लो, बट कोई फायदा नहीं है। और अगर आप उसका प्राइस देखोगे तो उसी प्राइस में एक दूसरा लेंस भी अवेलेबल है सोनी का जो उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर है, वो है 18-105। अगर आप 18-105 लेते हो वो कि सोनी का जी मास्टर लेंस है और वो कांस्टेंट F4 है, तो उसमें आपको बैकग्राउंड ब्लर भी बहुत बढ़िया मिलेगा, फोकसिंग स्पीड भी उसकी बहुत ज़बरदस्त होगी और फोटो डार्क भी नहीं होगी उसको अगर आप जूम इन जूम आउट करेंगे, और उसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं। और सोनी के अलावा दोस्तों एक कैमरा ने भी अभी मार्केट में अपना लेंस लॉन्च किया है APS-C कैमरों के लिए, और वो बहुत ज़बरदस्त लेंस है, वो है 17-70mm, 17-70mm की रेंज है और वो F2.8 है, जिसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड मिलेगा स्पेशली जब आप 70mm पे किसी की फ़ोटो या वीडियो लेंगे। प्लस उसमें ऑप्टिकल स्टडी शॉट भी लगा हुआ है, तो मतलब फ़ोटो में जग कम आएगी, उसके अंदर सेंसर है वो अपने आप उसको जग को करेक्ट करने की कोशिश करता है लेंस, और बहुत बढ़िया लेंस है ये लेंस। इनफैक्ट वीलॉगिंग के लिए भी काम कर सकता है क्योंकि 17mm इज़ बेटर देन 18mm लेंस। आप 18-105 से वीलॉगिंग नहीं कर सकते, लेकिन 17 से आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं वीलॉग करने का, हो सकता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों लेंसेज के लिंक अगर मेरे को ढंग के प्राइसिंग में मिल गए कहीं अमेजोन के तो मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे आके चेकआउट भी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, और मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियो पर मैं काम कर रहा था उसका काम जल्दी खत्म हो जाए ताकि मैं उस वीडियो को अपलोड कर सकूं, और नेक्स्ट वीक मैं आपको वो वाली वीडियो लेके मिलता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, आई विल सी यू सून, बाय बाय।